हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। तो ब्लास्ट की फंक्शनिंग और रिक्वायरमेंट इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख ली थी। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से हम क्या क्या यूज़ करके ब्लास्ट को बना सकते हैं। तो अगर हम ब्लास्ट की देखें तो जनरली सबसे अच्छा ब्लास्ट जो बनता है वो बनता है ब्रोकन स्टोन्स का। अब ब्रोकन स्टोन्स कहाँ से मिलेंगे, जो रिवर के बेड के पास कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं, या फिर जनरली इनको हम लोग लेके आते हैं माउंटेन से, माउंटेन्स को ब्रेक करते हैं। माउंटेन्स को ब्रेक करने के बाद जो स्टोन्स निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रोकन स्टोन्स। अब चूंकि वो माउंटेन से निकल रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे सबसे अच्छी रॉक जो ब्लास्ट के लिए मानी जाती है वो मानी जाती है इग्नीशियस रॉक। फॉर एन एग्जाम्पल, इग्नीशियस रॉक की अगर हम बात करें तो जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, आपका क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, ये बहुत अच्छे रहते हैं किसकी यूज के लिए, आपके ब्लास्ट के यूज के लिए। अगर हम इसमें और ज्यादा बात करें कि क्यों इनका यूज करना चाहिए, तो जनरली इनकी अगर हम, ये बहुत ज्यादा फ्लैकीनेस रहती है। फ्लैकीनेस दैट मीन्स कि इनकी जो इंटरलॉकिंग रहती है एक दूसरे के बीच में वो बहुत ज्यादा रहती है ना। तो इनका जो, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से स्टडी करें तो इसमें वॉइड्स बहुत कम हो जाते हैं, जिससे ब्रोकेज की या फिर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो वो इंक्रीज हो जाती है, ब्रेकिंग कम हो जाती है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज है, मतलब सबसे अच्छा ब्लास्ट अगर आपको बनाना है तो आपको इसका बनाना चाहिए। बट इसका डिसएडवांटेज भी है, ये आप इजीली नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हर जगह इकोनॉमी डिपेंड करती है, ये काफी ज्यादा कॉस्टली चला जाएगा, इसकी काफी हाई कॉस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये हम कहाँ पे इसको यूज करेंगे, इसको यूज हम वहां करेंगे जहाँ लोडिंग ज्यादा है। अगर आपका वहां से काफी अच्छी अर्निंग हो रही है, या फिर आप जहाँ पे इस ब्लास्ट को बना रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई रेलवे ट्रैक जा रहा है ना, और ये रेलवे ट्रैक किसी हिल स्टेशन के पास पड़ता है और यहाँ पे इग्नीशियस रॉक मिलती है, तो हम क्या करेंगे, इसी इग्नीशियस रॉक का यहाँ पे ब्लास्टिंग बना देंगे। बाकी तो फर्दर अगर आपको कहीं और से लाकर के इसको बनाना रहे तो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, है ना। ये सारे इसके एडवांटेज हैं। अच्छा, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो ये एंगुलर होता है, इसमें एंगुलर है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आप दे सकते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज रहता है इसकी। चूंकि इसकी क्रशिंग और एब्रेशन वैल्यू काफी हाई है, तो ये अगर लोडिंग आएगी तो भी ये इजिली ब्रेक नहीं होगा, है ना। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज बस एक ही है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इजीली मिलेगा नहीं, इसकी कॉस्टिंग काफी हाई जाएगी, है ना। और तो कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं दिखता। अगर इसके नेक्स्ट, चूंकि हम इसे हर जगह यूज नहीं कर सकते, इकोनॉमिकल नहीं है, तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। सो सेकेंड टाइप का जो है, तो फर्स्ट बेस्ट हमने देख लिया, सेकेंड बेस्ट कौन सा रहेगा आपका, ग्रेवल्स। अब ये ग्रेवल्स मिलते कहाँ पे हैं? आपने देखा होगा नदी के किनारे जब हम जाते हैं तो कुछ ऐसे राउंड स्टोन्स वहां पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग कलर के, यही ग्रेवल्स है। तो अब जब ग्रेवल्स की हम बात करें, तो अगर ये राउंड है तो सबसे पहले तो इनको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। एक जो भी आपका अगर बड़े साइज का है तो उसको हम रिक्वायर्ड साइज में ब्रेक करके और यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसके बाद इसमें ड्रेनेज की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है ना। अब चूंकि आप इसको ला कहाँ से रहे हैं, नदी से लेके आ रहे हैं, तो नदी से अगर लेके आ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पिट रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें मिट्टी रहेगी। तो इसमें सबसे जरूरी होती है कि हमें इसको क्या करना पड़ता है, इसकी स्क्रीनिंग करना पड़ता है। तो इसको यूज करने के पहले हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेडिंग और स्क्रीनिंग कर लेंगे, है ना, छान लेंगे उसको। और छानने से क्या होगा, इसके प्रॉपर जो भी साइज के हमें स्टोन्स चाहिए वो तो मिल जाएंगे, मगर इसमें लगी हुई मिट्टी को हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी वॉशिंग करनी पड़ेगी। तो पिट के रिमूवल के लिए हमें दो चीजें करनी है, इसमें क्या क्या करना है, पहले तो स्क्रीनिंग करेंगे और दूसरा इसको वॉश करेंगे। अगर ये समझ आ गया तो इजीली इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके पहला एडवांटेज तो यही है कि ये इजीली मिल जाता है ना, इसकी कॉस्टिंग कम आती है, और इसके साथ साथ इसकी, इसमें ड्रेनेज की क्वालिटी काफी अच्छी होती है ना। और बहुत इसमें से जो इसकी अगर हम एब्रेशन वैल्यू या क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू की बात करें तो ये काफी अच्छी होती है ना। और सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पे होती है कि ये स्लीपर्स को होल्ड करके रखता है। अगर आपने इसके ऊपर यहाँ पे
ये जो आपका बेड है, बेड के ऊपर ही स्लीपर्स आते हैं, तो अगर आपने इस बेड के ऊपर स्लीपर्स को डाल दिया तो ये स्लीपर्स को अपने अंदर काफी अच्छे से होल्ड करके रखेगा, उसमें अनस्टेबिलिटी के चांसेस को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस अभी मैंने बताया कि इसमें क्या रहता है, पिट रहता है ना, मिट्टी वगैरह जो रहती है तो पिट रहेगा, राउंड शेप के रहेंगे। ठीक है, और अगर हम इसमें रोलिंग की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे इजीली ये जो स्टोन्स रहते हैं ये क्या करते हैं, अपनी प्लेस से रोल्ड हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब वाइब्रेशन आता है और उसमें अगर हम वहाँ पे कुछ ग्रेवल्स रख दें या स्टोन्स रख दें तो क्या होगा, वाइब्रेशन के कारण, हिलने के कारण कुछ स्टोन्स निकल निकल के यहाँ वहाँ स्प्रेड होने लगेंगे, भगने लगेंगे, है ना। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर वाइब्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं तो वो अपने पोजिशंस पे कहीं ना कहीं वाइब्रेशन के कारण सेग्रीगेट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सैंड की, अब सैंड वो वाला नहीं सैंड जो आप जनरली देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन में, वो फाइन सैंड रहता है ना, उत्था भारी का मेरे कहीं यूज होते ही नहीं है, आप देखेंगे भी नहीं। हम यहाँ पे कोर्स सैंड की बात कर रहे हैं, तो कोर्स सैंड का यूज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ पे कब यूज करेंगे, मान लीजिए कि ये काफी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, यहाँ पे हमें एक नॉर्मल सा रेलवे स्टेशन देना है, तो अगर आपको कहीं पे नॉर्मल से रेलवे स्टेशन देना है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोडिंग की ज़रूरत नहीं है और कम बजट है, तो वहाँ पे आप सैंड का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ पे भी अनइम्पॉर्टेंट ट्रैक्स वगैरह, यार्ड्स वगैरह, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होगा, ऑब्वियसली बात है सैंड है तो अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चीप होता है। ठीक है, इजीली अवेलेबिलिटी इसकी हो जाती है ना। और ये अगर हम सैंड की बात करें तो काफ़ी साइलेंट ट्रैक आपको प्रोवाइड करता है, मतलब जितने भी साउंड के वाइब्रेशन है ये अपने आप में उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे, अब देखो सैंड है तो अगर हम कोर्स सैंड की बात करें तो क्या होता है, ये वाइब्रेशन में इसकी इंटरलॉकिंग कभी नहीं हो पाती, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे ना कि हमने यहाँ पे ब्लास्ट देखा था दोनों तरीके के, तो इनमें इंटरलॉकिंग काफ़ी अच्छी थी, बट अगर हम सैंड की बात करें तो इसमें इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे वाइब्रेशन आएगा तो ईजिली जो आपका स्लीपर्स है वो अपनी पोजिशन से शिफ्ट हो सकते हैं, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम एशेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एशेस मतलब कि वो जो हम लोकोमोटिव जहाँ पे हम लोग बनाते हैं उसका बाय प्रोडक्ट जो बनता है उसका भी हम ब्लास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, चूँकि वो बाय प्रोडक्ट तो कहीं और यूज़ होगा नहीं, तो उस वेस्ट का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ऑब्वियसली बात है चूँकि ये बाय प्रोडक्ट है तो काफ़ी ज़्यादा चीप होगा, इसके साथ साथ इजीली अवेलेबल होगा आपके रेलवे स्टेशन के आसपास, है ना। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है ना। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस इसके यही है कि आप इसको हर इम्पोर्टेंट जगह पे यूज़ नहीं कर सकते और काफ़ी लार्ज अमाउंट में इसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है। इसके बाद हम कंकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। कंकर्स मतलब ये जो नॉर्मली जो आप मटेरियल, जो नेचुरल मटेरियल है जो अवेलेबिलिटी खुद रहता है ना। तो जैसे कि जनरली अगर हम बात करें तो लाइम से, जो लाइम का बाय प्रोडक्ट या लाइम को ब्रेक करने से जो आपका कंकर यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अब अगर इसकी बात करें तो इसमें भी ड्रेनेज अच्छा है ना, एडवांटेजेस का ये है, ड्रेनेज अच्छा है और चीप है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव क्वालिटी रहती है, मतलब कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जो आपका यहाँ पे आप स्लीपर्स यूज़ कर रहे हैं, रेल्स यूज़ कर रहे हैं, उनको भी इजीली ये क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, है ना, कोरोजन क्रिएट कर देगा, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप इस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं अपने ब्लास्ट में तो, ठीक है। इसके साथ साथ ये काफ़ी सॉफ्ट बेड देता है, सॉफ्ट बेड मतलब कि जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा पावर लगाएंगे तो सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, इजीली ये क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा तो डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। मुरम भी क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्ट एग्रीगेट होता है,
आपने सुना होगा काफी, डेली यूज में आपने इसको देखा भी होगा आपके आसपास, है ना। तो चूंकि ये काफी इजीली अवेलेबिलिटी रहती है, तो ये भी कहाँ पे यूज यूज कहाँ करना है, जहाँ स्लाइडिंग वाली जगह है ना, जहाँ पे स्लोप हमें देना है तो वहां पे हम मोरम का यूज कर लेंगे, या जितनी भी अनइम्पॉर्टेंट जगह है वहां पे मेन बेड में कभी यहाँ पे आप यूज नहीं करोगे, है ना। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो मुरम का, ठीक है, या स्लोपी कोई जगह है वहां पे यूज कर सकते हो, जहाँ पे कम अमाउंट में डालना है, या फिर आप ये जो नीचे वाली जो आपकी अर्थ है ना, ये जो आपकी अर्थ है इस, ये आपके ब्लास्ट से काफी पास है, काफी स्ट्रोंग है, तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो, या कोई न्यू एम्बैकमेंट बनाना है तो वहाँ, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ आप इस मुरम का यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे आपने मुरम का यूज़ करा और आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे ट्रैक को बिछा दें, तो इसमें जो आप ट्रैक को बिल्कुल फ्लैट बनाएंगे तो फ्लैट काफ़ी मुश्किल होता है इसको फ्लैट बनाना, कहीं से ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत रहते ही है। तो जब आप ले जब डालेंगे ट्रैक को डालेंगे तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा तकलीफ आ सकती है उसमें, ठीक है। और सबसे बुरी बात ये इजीली क्रम्बल हो जाती है, अगर आपकी ट्रेन निकल रही है, काफी हैवी ट्रेन है और वो वहां से जा रही है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आ गया मुरम, है ना, बिल्कुल और ज्यादा पाउडरी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज कर सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आप मुझे बताएंगे कि कहाँ से निकलता है, ये आपको बताना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की अगर हम बात करें तो जनरली जब हम स्टील बनाते हैं, स्टील बनाते टाइम इसका एक बाय प्रोडक्ट जो निकलता है थर्मल पावर प्लांट्स में भी कई बार मिलता है हमें, तो वहां से जो बाय प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं स्लैग। अब देखो स्लैग में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ काफी होती है ना। तो अगर आप स्लेग के बाय प्रोडक्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो सबसे अच्छा ये है कि ये काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और इसमें लोड ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, काफी हाई लोड को भी ये बियर कर सकता है और इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगा, है ना। कोरोजन के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा कम रहते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, अगर आपको यहाँ पे आपने ले डाउन कर दिया तो आप बाद में अगर आप इसका मेंटेनेंस करना चाहें तो वो काफी ज्यादा टिपिकल हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहाँ से आ रहा है वहां से यहाँ तक की भी इंक्रीज हो जाती है ना। और देखो अगर हम सोचें ट्रैक की जब हम बात करते हैं तो ट्रैक में काफी हाई अमाउंट में आपको ये मुरम और ये सब अगर ब्लास्ट बना रहे हैं तो काफी हाई अमाउंट, काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो आप इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रिक ब्लास्ट काफी ज्यादा चीपेस्ट रहता है जो, तो इसको भी एक तरीके से हम गुड ब्लास्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि अगर हम, आपने ब्रिक देखा होगा, अगर ब्रिक को आप तोड़ना चाहें हथौड़ी से तो टूट जाता है, तोड़ा होगा, है ना, तो तोड़ोगी तो इजीली टूट जाएगा, ठीक है। तो वही चांसेस है कि अगर हमें एक नॉर्मल सा कोई यार्ड या कहीं ऐसी जो अनइम्पॉर्टेंट जगह अगर अपन को ये देना है तो वहां पे हम ब्रिक ग्लास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रेनेज वगैरह इसमें काफी अच्छा रहता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब हम एक चीज और यहाँ पे समझ लेंगे कि ब्लास्ट को जब हम रेलवे ट्रैक डालते हैं तो रेलवे ट्रैक डालते टाइम कुछ चीजें हम लोग माइंड में हमारे लेकर के चलते हैं, वो क्या-क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जहाँ पे भी आप रेलवे ट्रैक डाल रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो भी आपके बेड की है वो काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे कोई भी श्रिंकिंग या फिर सॉफ्ट सॉइल नहीं होनी चाहिए, ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो भी आपका स्टेबिलिटी है वो काफी हाई होनी चाहिए। इसके बाद इसमें ग्राउंड वाटर टेबल काफी करीब नहीं होनी चाहिए, है ना, ग्राउंड वाटर टेबल अगर बहुत ज्यादा पास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्दर मोर सेटलमेंट होने के चांसेस या पोरोसिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए जहाँ पे भी आप ट्रैक दे रहे हैं,
ये कुछ चीजें हैं जब आपको ध्यान रखनी है ब्लास्ट को की साइट सिलेक्शन के लिए।